अभी आपके सामने है। सलाह का तात्पर्य है कि आने वाले समय में क्या अनुकूल है, इसको सलाह कहते हैं। और जो आने वाले समय को नहीं पहचान सकता तो सलाह देने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मैं एक व्यक्ति के साथ व्यापार प्रारंभ करूं या नहीं करूं, ये धोखा देगा या नहीं देगा, इसके लिए सलाह आपका भाई संबंधी रिश्तेदार कोई कर सकते हैं, करिए। मगर निश्चित सलाह नहीं है वो, क्योंकि फिर उसमें भटकाव है, फिर साल भर बाद वो आपको धोखा देके जा सकता है। यह पत्नी जिसके साथ लड़की के साथ शादी कर रहा हूं, चरित्रवान है या नहीं, समाज के पास नहीं, आपके पास नहीं, आपके पास इसलिए नहीं है कि अगर आपके पास होते तो आप प्रश्न करते ही नहीं, और समाज के पास इसलिए नहीं है कि समाज स्वयं भटका होगा। हजार बार धोखे और सर से भरे हुए होते हैं, वह अपने स्वार्थ से देगा। मैं अपने बेटे को पूछूंगा कि मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, तो कहेगा आप काम करिए, उसके पीछे कहेंगे उनका स्वार्थ है। जब विश्वास भाव से बिल्कुल आने वाले समय में यह जो मेरा प्रश्न है, ये जो मेरा चिंतन है, ये जो मेरी समस्या है, इसका निराकरण होगा या नहीं होगा, यह आवश्यक है जीवन में एक कम समय में लंबी दूरी प्राप्त करने के लिए। कब तक मैं अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, कब तक अपना मकान बना दूंगा, कब तक लड़की की शादी हो जाएगी, कहां शादी हो जाएगी, किस घर में शादी हो जाएगी, आपको प्रश्न मालूम नहीं और आप भटकाव में ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कभी इधर कभी उधर। अब ये लड़का मिला, लड़की सुखी होगी कि नहीं होगी, सैकड़ों जलने की घटनाएं होती हैं, ये मेरी लड़की का क्या भविष्य होगा, और पूरा जीवन इस वजह से दुखमय हो गया है। दुखमय इसलिए हो गया है कि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सलाह दे सके, और सलाह का मतलब है वह व्यक्ति जो आने वाले समय को भांप सके, देख सके, चिंतन कर सके, समझा सके। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप तेज गति के साथ अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य बहुत दूर है, जो कुछ लक्ष्य है, चाहे हिमालय के गौरी शंकर पर्वत की शिखर पर पहुंचना है, या राजनीति में प्रधानमंत्री बनना है, या बिड़ला बनना है, या टाटा बनना है, या आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है, या सीधा समझाना है, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, या चार लक्ष्य हो या पांच लक्ष्य हो, उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा एक रास्ता बनना चाहिए, सीधा रास्ता हो। मगर रास्ता कौन सा है ये आपके पास नहीं है, और अगर वो ज्ञान आपके पास नहीं है तो फिर वो सफलता भी आपके पास नहीं है। किसी भी फील्ड में देखते हैं आप अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हैं, पति पत्नी है और कलह भी चल रहा है, तनाव भी चल रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मारपीट भी हो रही है, गतिशील है, छत के नीचे चले जा रहे हैं और जीवन चल रहा है, बेटा चल रहा है, सपूत है, कहना मान नहीं रहा है और चले जा रहे हैं, कहीं पर भी मन में शांति नहीं है, और ये तनाव आपके परिवार की तरफ से है, ये तनाव आपके मन की तरफ से है, ये तनाव आपके समाज की तरफ से है। और जब तक तनाव समाप्त नहीं हो सकता तब तक जीवन मनुष्य भी नहीं बना जा सकता, क्योंकि मनुष्य शब्द का अर्थ भी मन पर पूर्ण नियंत्रण होने की क्रिया है। पांचवी प्रति है वह पशु है, जहां कुछ विचार है ही नहीं, जहां कुछ लक्ष्य है ही नहीं, जंगल में गए, घास चरी, घर आए, सुंदर बन गए, बस फिर दूसरे जंगल में गए, फिर वापिस आ गए, कोई लक्ष्य नहीं है उनका। एक दायरा है, आपके जीवन का भी एक दायरा है। आप सुबह उठे, स्नान किया, पैंट वेंट पहनी, आपने बैग लिया, ड्यूटी पर चले गए, नौकरी पर चले गए, 5-7 बजे छुट्टी हुई, फिर घर आ गए, पत्नी की 2-4 झिड़कियां खा ली, 2-4 झिड़कियां दे दी, खाना खा के सो ली, दूसरे दिन भी यही घटना है, तीसरे दिन भी यही घटना है, 5 दिन भी यही घटना है, 6 महीने में यही घटना है, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी आप झील के किनारे जाकर बैठ के वापस आ गए। कुछ जीवन में आनंद नहीं है, कुछ रंग नहीं है, एक मस्ती नहीं है, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है,
है ही नहीं, इसलिए कि आप उस घेर में आबद्ध हो गए, मन पर नियंत्रण नहीं रहा। और जब मन पर नियंत्रण नहीं है फिर मनुष्य नहीं है, और यदि मन पर नियंत्रण नहीं है फिर लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है भी तो प्राप्ति का तो उपाय नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कोई लक्ष्य हो आपका, ये जरूरी आध्यात्मिक लक्ष्य हो, यह भी जरूरी है कि व्यापार में आप अद्वितीय बने। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जिससे बने तो किसी फील्ड में हो अपने आप में अद्वितीय हो, उसके चक्कर में दूसरा नहीं हो, उसके लिए समय बहुत कम होता है। 20-25 साल तक आप पढ़ाई करते रहते हैं, एक डिग्री एक सर्टिफिकेट का दूसरा टुकड़ा मिलता है, और उसके बाद आपके 56-57 साल रिटायरमेंट हो जाती है। कुल मिलाकर 25 साल बीच में मिलते हैं, 25 साल में 12.5 साल तो नींद में व्यतीत हो गए, तो 12.5 साल में 4-6 साल आपके अकारण खर्चों में, कुल 4-5 साल आपको प्रैक्टिकल काम करने को मिलते हैं पूरे जीवन में, और थोड़े से समय में आप इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते जहां आने वाली पीढ़ी आपको याद रख सके, इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते जहां दुनिया देख सके आपको कि आप कुछ हैं। इस समाज की भीड़ का नहीं है, आपकी गली कुछ किनारे पर कोई मर जाता है तो आपको मालूम नहीं कि कौन मर गया है, और पूछ रहे कि आपके यहाँ रोना धोना हो रहा है, 5 घर आगे 8 घर आगे, तो मेरा कोई था तो सही, कोई नौकरी पे जाता था, मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम करें, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं इतने अधिक, और मर रहा है आप देख रहे हैं, और स्थिर जीवन गतिशील हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपका बहुत प्रिय है उसके अर्थी के साथ इंसान जा रहे हैं, और ज्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, एक दिन मरना है, ये भी जा रहा है, इस संसार में स्वर है, और वहां से जला करके स्नान करके वापस घर आते हैं और वापस दुकान पर बैठ जाते हैं, वही ग्राहक वही आप, वही लेना वही देना, वही चल वही झूठ, वही कपट वही पाखंड, वही नौकरी है वही समस्या है परिवार सुना, केवल घंटे आधे में सोचते हैं कि बेकार जीवन क्या फायदा, ये चला गया 32 साल का था तो मुझे भी चले जाना है, बस वो 15-20 मिनट का ही अंतराल, और उसके बाद भी उस लक्ष्य ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर ने यक्ष को पूछा कि जीवन का श्रेष्ठ पक्ष क्या है, आश्चर्यजनक घटना क्या है इस संसार में, श्रेष्ठतम आश्चर्य उसके मुकाबले का कोई आश्चर्य नहीं है। यक्ष ने कहा कि सैकड़ों लोग मरते हुए अपने देखते जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये एहसास नहीं है कि मैं कुछ करूं, क्योंकि 7 साल बाद 2 साल बाद हम भूल जाते हैं उसको, 5 साल बाद उसकी याद नहीं रहती कि पास में कौन रहता था, केवल एक आधे घंटे तक उसकी बात रही कि किशन लाल रहता था या मदन लाल रहता था, ऐसा जीवन कोई काम का नहीं। आप मरे और 15-20-50 लाख की आंखों में आंसू नहीं बहे तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता। आप जाएं और आने वाली पीढ़ी आपको याद नहीं रख सके तो बस जीवन का कोई मतलब नहीं। स्वजन तो केवल 4-6 महीने याद रखेंगे, और साथ भर में एक बार श्राद्ध का दिन होगा तो याद रखेंगे मेरे पिताजी का श्राद्ध है, दो चार ब्राह्मणों को खाना खिला दिया, घर में भी कौन बैठक रखे, बाजार से मिठाई लाई, किसी ब्राह्मण के घर में पहुंचा दे, बेकार गर्व कर रहे हैं आप कि मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा स्वजन है, मेरा पत्नी है, मेरा संबंध है, यह सब बेकार एक छलावा झूठ है, और हम उस छलावे में चले जा रहे हैं, क्योंकि चलना हमारी प्रक्रिया है, गतिशीलता प्रक्रिया है, छल के अलावा उस झूठ के अलावा उस पाखंड के अलावा और ढोंग के अलावा, और जैसे कह रहा है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा छल हमारे जीवन हम पालते जा रहे हैं, दूसरों को देते जा रहे हैं कि जीवन का कुछ अर्थ है नहीं, और जिंदा रहे चले जा रहे हैं, ऐसा जीवन आप पर कोई काम का नहीं, और यह न्यूनता इसलिए है कि आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सलाहकार नहीं। सलाहकार तो उसको कहते हैं, मार्गदर्शक उसको कहते हैं जो आने वाले समय को पहचान सके, बता सके कि तुम्हारे पास जो 5 साल है, 1 साल भर है, 2 साल है, और उस जगह पहुंचना है जो 10,000 मील की दूरी पर है, उस हिमालय पर चढ़ना है जहां 29,200 फीट की ऊंचाई पर है, उसके लिए भी ये रास्ता है, और तुम पहुंच सकोगे, मार्ग में खाई में नहीं गिरोगे,
मृत्यु नहीं हो जाएगा। जितना समय उस समय उस जगह को प्राप्त कर लोगे अंदर तुम रवाना भी हुए मार्ग भी समाप्त हो गए तो बेकार है वो सारा जीवन का क्रम किया हुआ। और ऐसा मार्गदर्शक हमारे जो श्लोक मैंने बोला यमोपनिषद से और उस यम ने उस उपनिषद में अपने श्लोक में कहा कि ऐसा मार्गदर्शक केवल अपने जीवन में गुरु हो सकता है, दूसरा कोई संभव ही नहीं होता, होता ही नहीं। भगवान की और गुरु वह हो जो जीवित हो, जागृत हो, चैतन्य हो। श्लोक में बताया तीनों शब्द काम में लिए। एक हमारे गुरु जी थे, उनका फोटो लगा हुआ है। हमें मार्गदर्शन आज चाहिए कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूं नहीं करूं, वह फोटो आपको सलाह नहीं दे सकता। गुरु जी थे, दीक्षा आपको नहीं थी, वह फोटो आपको सलाह नहीं दे सकता। एक हमारे भगवान आ गए तो भगवान चाहेगा अपने आप हो जाएगा, फिर आप मनुष्य नहीं ली। गुरु हो उस वह गुरु को जो जागृत हो, जो गुरु हो अपने आप में, भगवे कपड़े पहने हुए या सफेद कपड़े पहने हुए या अवगढ़ या अवधूत, उसको गुरु नहीं कह सकते। जो चैतन्य हो, जागृत हो और जिसको आपसे प्यार हो, अटैचमेंट हो, संबंध हो, अपने आप में सीने से लगाने की क्रिया हो, वह हो। बहुत दूर हिमालय हमारे कोई काम का नहीं है, हम यहां बैठे हैं, हिमालय बहुत सुंदर, हमारे क्या काम का है। और बहुत नजदीक से जाके देखेंगे तो हिमालय पत्थरों का ढेर, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हिमालय भी हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए तो आज ये क्षण जो है, ये जो शाम को भोजन बन रहा है, वो हमारे ज्यादा काम का है। इस समय मार्गदर्शन की ये जरूरत है कि शाम का भोजन कहां से हो, ये जरूरी है। और ऐसा मार्गदर्शन वह दे सकता है अचूक, निश्चित, स्पष्ट। तुम्हारी लड़की की शादी होगी, तुम्हें खंडवा जाना है, उस मकान में शादी होगी, बेकार भटक रहे और अभी होने का सवाल नहीं है, तुम्हें 2 फरवरी के आसपास जाना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे निश्चित। तो 3 मिनट तुम्हारे बच जाएंगे, फिर आप कभी इधर दौड़ रहे हो, कभी दिशा का दौड़ रहे हो, कभी उधर दौड़ रहे हो, कुछ कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं होते। इसके लिए जीवित, जागृत और चैतन्य गुरु। उसने कहा चैतन्य का मतलब यह है कि उसको काम देने का ज्ञान हो, उसका आपसे संबंध हो। खाली आप मुझे गुरु कहें, मैं आपको गुरु कहूं तो आपको गुरु में नहीं है। होठों से कहे हुए सब अपने आपके गुरु आप नहीं रखते, प्राणों से कहे हुए सब रथ रखते हैं, मन से कहे हुए सब रथ रखते हैं, आपके मेरे संबंध होठों से नहीं हो। जय गुरुदेव, आपकी जय हो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं, ना आपको ना मुझे। मैं खुश हो जाऊं कि चलो ये भीड़ मुझे जय गुरुदेव कह रही है, मैं प्रसन्न हो जाऊं, कोई लाभ नहीं इससे, ना आप इससे लाभ हो रहा है, ना मुझे इसमें लाभ हो रहा है। मैं तो आपके प्राणों से जुड़ सकूं अगर मैं गुरु हूं, अगर मैं जीवित हूं, ऐसे मरे हुए गुरु साइड होंगे हमारे बात प्रश्न थोक के बाबा और कर लें। यदि आपको भरोसा नहीं होता, हरिद्वार में चले, मैं आपको 5 रुपए में 20 गुरु दे सकता हूं, प्रत्येक आपको ढूंढ के देख लेगा। पंडे बैठे एक से एक बढ़कर के, 1.25 रुपए में पिंडदान, 2 रुपए में पिंडदान, 5 रुपए में पिंडदान, 200 रुपए में पिंडदान, जैसा चाहो आपकी मुक्ति, 2 रुपए मुक्ति। वहां तो थोक का दुकान की दुकान गुरु जी बैठे, और कम से कम आपको मालूम होना चाहिए 6,500 आश्रम है अखबार में, इसका मतलब 6,500 गुरु है। फिर उसके बाद मथुरा भी है, फिर उसके बाद काशी भी है, हमारे यहां तो सैकड़ों ओंकारेश्वर जी सैकड़ों तीर्थ है। गुरुओं की कमी है नहीं, आपकी कमी है, मगर वे गुरु हैं। मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनके प्रति नमन करता हूं। यदि वो जीवित है तो, यदि वो जागृत है तो, यदि वो चैतन्य है तो, यदि ऐसे नहीं है तो मुर्दा गुरुओं को मैं प्रणाम नहीं करता। परिवार की हाँ।